भाई बहनों को रमजान ईद मुबारक। तेलंगाना सरकार के तरफ पहला जुम्मे के दिन जिम्मेदारी लेके इफ्तार देने के लिए हम सरकार तय किए। इस मौके पे हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का जी, हमारे भाई मोहम्मद अली शबीर जी, मंत्रियां, बाकी के एमएलएस, चेयरमैन, साथ ही पूरे परिवार को मैं ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। ये ईद रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना। आप लोगों को मालूम है हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए। कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। सीएम पेशी में जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे, आज शनवाज कासिम सीएम पेशी में है। सरकार के एडवाइजर बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज है एक यूनिवर्सिटी को जरूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखे चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए, ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई जरूरी नहीं है। और परसों में देखा, पिछले बार भी छवल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है, 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियां से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो, तेलंगाना सरकार तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए दो आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही
ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। जो रूरल एरिया में है, आज के दिन हम जितने भी चेयरमैन बनाए यहीं पर है। आप लोगों को मालूम है अजमतुल्ला साहब को हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और हमारे भाइयों को चार चार चेयरमैन दिए, चार के चार अभी मंच पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हम कभी भी कुछ डिसीजन लिए तो हर बार हम सोचते भाई हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं साफ कह रहा हूँ 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए। और एजुकेशन के लिए आपको जो जरूरी है हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे। नौकरियों में भी नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं, इसी एलपी स्टेडियम में हमारा नौकरियों का जो बच्चों को दिलाए और यहीं हमारा सरकार बने। एलपी स्टेडियम का मतलब यहाँ पर जो भी होते वो पत्थर के लकीर है। जिस दिन December 7th को हमारे सरकार बने यहीं बनाए, आज भी रमजान ये त्यौहार भी यहीं बना रहे, ये हमारे लिए एलपी स्टेडियम बहुत कीमती की जगह है। आप लोगों को सबसे मिलकर हम बहुत खुशी हो गए। पहले जुम्मा में रमजान ईद हम बना रहे, सबको और एक बार मैं ईद मुबारक देते हुए यही खत्म करता हूँ मेरा दो शब्द। धन्यवाद मित्रों।